तालिबान के बर्बरता और कत्लेआम को देखकर पूरी दुनिया खौफजदा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दिल में तालिबान से भी ज्यादा खूंखार आतंकी संगठन के कहर का डर समाया हुआ है। उस आतंकी संगठन का डरावना खौफ अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में ऐसा समाया हुआ है, डर के साए में हजारों की तादाद में अफगानी लोग काबुल एयरपोर्ट के बाहर डेरा जमाए हुए हैं, प्लेन की छत पर बैठकर मुल्क से भागने पर मजबूर हैं। अफगानिस्तान छोड़ने वाले लोगों के दिल में सिर्फ तालिबान का ही डर नहीं है, बल्कि उस सबसे खूनी ब्रिगेड का डर है जो काबुल को लहू लुहान करना, अनगिनत लाशें बिछाना चाहता है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बीते 7 दिनों से काबुल एयरपोर्ट एक ऐसे वॉर जोन में तब्दील हो चुका है जहां बेहिसाब बारूद बरस रहा है। ताबड़तोड़ गोलियां दागी जा रही हैं, दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। एयरपोर्ट के जर्रे जर्रे पर मौत का खौफ है, हर तरफ दहशत है। जब से तालिबान ने पठान लैंड पर कब्जा किया तभी से काबुल एयरपोर्ट पर कोहराम की अनगिनत तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अफगानी लोग अपने ही मुल्क को छोड़ने के लिए छटपटा रहे हैं। गुहार लगा रहे हैं क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर तो अमेरिकी और नाटो सेना का कब्जा है, तो वहीं एयरपोर्ट के बाहर तालिबान की खूंखार बदरी ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला है। इन सब के बीच अफगानी लोग फंसे हुए हैं, अपने ही देश में उनके साथ गुलामों जैसा सलूक हो रहा है। बावजूद इसके हजारों की तादाद में अफगानी एयरपोर्ट के बाहर डटे, वो भी 7 दिनों से, ताकि किसी भी तरह अफगानिस्तान छोड़ सके। अब तक यही माना जा रहा था कि तालिबान हुकूमत और उसकी हत्यारी ब्रिगेड के डर से अफगानिस्तान के लोग अपना देश छोड़ने को तैयार हैं। मगर किसे पता था कि ये लोग सिर्फ तालिबान से ही नहीं बल्कि एक ऐसे आतंकी संगठन से भी खौफजदा हैं जो खून खराबे और नरसंहार की खौफनाक इबारत कई दफा लिख चुका है। ISIS दुनिया का वो आतंकी संगठन जिसके दामन पर सीरिया जैसे मुल्क को तबाह करने, उसे खंडहर में तब्दील करने के दाग हैं। मगर इस दफा ISIS का टेरर सेंटर सीरिया नहीं बल्कि यहां से 3500 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, वो भी ISIS के नाम से, यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि अफगानिस्तान में तालिबान के अलावा आतंक की खूनी ब्रिगेड भी एक्टिव हो चुकी है? क्या बगदादी के कलाकार दहशतगर्दों के डर से अफगानिस्तान के लोग अपना मुल्क छोड़ रहे हैं? क्या तालिबान से भी ज्यादा ताकतवर है इस्लामिक स्टेट खुरासान? इन सवालों का जवाब आपको सिलसिलेवार ढंग से देंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए ये सनसनीखेज खुलासा किसने किया,
किसने इस बात की आशंका जताई है कि अफगानी लोग तालिबान नहीं बल्कि ISISK से दहशत में हैं। तो आपको बता दें, अमेरिका के एक बड़े रक्षा अधिकारी ने ये खुलासा किया है। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ISIS खुरासान अटैक कर सकता है। ISIS खुरासान के फिदाइन एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश में जुटे हैं। हजारों अफगानी और US आर्मी को निशाना बनाया जा सकता है। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ही वो शख्स हैं जिन्होंने ISISK से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। जॉन किर्बी की माने तो जिस तरह एयरपोर्ट पर लाखों लोगों की भीड़ जुटी है, जिस तरह से अफरा तफरी है, उसी का फायदा उठाने की कोशिश में जुटे हैं इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकी। और बगदादी की इस हत्यारी ब्रिगेड का सिर्फ एक मकसद है, काबुल एयरपोर्ट को कब्रिस्तान में तब्दील कर देना, हजारों लोगों की लाशें बिछा देना। असल में इस्लामिक स्टेट खुरासान हर उस शख्स को मौत के घाट उतारना चाहता है जिसने भी अमेरिका का साथ दिया, जिसने अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान में पनाह दी, जिसने US आर्मी की मदद की और ISISK को लगता है कि जो अफगानी लोग काबुल एयरपोर्ट पर जुटे हैं वो सभी अमेरिका के हितैषी थे। उन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका को मजबूत करने में मदद की है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ISISK के खौफनाक मंसूबों पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने की बात कही है। अमेरिका ने टारगेट रखा है कि वो 31 अगस्त तक अपने सभी नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल लेगा। इसके लिए अमेरिका ने तालिबान के टॉप लीडर से भी बात की है और 31 अगस्त तक तालिबान को सेफ पैसेज बनाए रखने के लिए कहा है। लड़ सके।
इसी बीच तालिबान के सत्ता में आते ही ISISK ने काबुल को अपना हेडक्वार्टर बना लिया और अब बगदादी की खूनी ब्रिगेड लाशें बिछाने के लिए, खून खराबे के लिए तैयार दिख रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।